मस्त सूट बूट चढ़ा के, नए जूते और फॉग सेंट छिड़क के हम जाते हैं बारात। एक घंटे तक भांगड़ा और दो घंटे तक नागिन डांस। तब तक हमारे घर का खाना पच जाता है और जैसे ही बारात में खाने के लिए बैठते हैं हमारी औकात याद दिलाई जाती है। पहले तो डीजे के लिए, फिर मोबाइल के लिए। इस गाड़ी से जाते हैं बारात, उसके लिए भी। फिर जब इग्नोर करके सोचते हैं चलो यार थोड़ा खा लिया जाए, तब खाना बंद करो, खाना बंद करो सालो, सुनो गाली, खाना बंद करो। उसे बोल लाइन दे रहे, लाइन दे। अच्छा कोरोना वायरस के नाम से केकर नंबर सेव बा। केकर हो ई तोरा माई वाला हो। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। मम्मी अपने थर्ड फ्लोर पे एक लड़की पसंद आई मुझे, तो पापा बोल रहे हैं वो तेरी सिस्टर है। एक लड़की सेकंड फ्लोर पे पसंद आई तो पापा उसको भी मेरी सिस्टर बोल रहे हैं, और ग्राउंड फ्लोर वाली को भी मेरी सिस्टर बता रहे हैं। अब मैं शादी किससे करूं मम्मी? अरे बेटा तुझे जिससे शादी करनी है उससे कर ले, तू कौन सा उनका बेटा है। पापा मैं बाहर जा रहा हूँ अपनी सेटिंग से मिलने। बेटा लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर मत जा, नहीं तो पुलिस वाले तोड़ देंगे पकड़ के। पापा मेरे जाने का तरीका अलग है, बेटा मेरे को भी बता दे तरीका, मैं भी मिल जाऊंगा अपनी सेटिंग से। गुड मॉर्निंग सर। मुन्ना कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? सर कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। ठीक है तुम बैठो। अमन तुम क्यों नहीं आए? सर मैं मुन्ना को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। अरे भाई क्या हुआ, तुझे तेरी बीवी ने घर से बाहर क्यों निकाल दिया? कल तेरे बोलने पे मैंने उसको चेन गिफ्ट की थी ना, इसलिए। चांदी की थी क्या? नहीं साइकिल की। जितने भी शादीशुदा लोग है ना, एक बात सच्ची सच्ची बताओ, जितना खुश तुम शादी वाले दिन थे क्या अभी भी इतना खुश हो? अकीब चल एक सॉन्ग गाते, तू मेरा साथ देना। ठीक है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, बिना मेकअप के चुड़ैल लगती है लड़कियाँ। हाय गाइस, ये मेरी बहन है और हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है। अरे तू भी बोलना कुछ। पानी की बोतल देना। क्यों भाई प्यास लगी है क्या? और प्यास थोड़ी लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, गला चेक करना है, कहीं लीक तो नहीं हो रहा। मुझे लगा प्यास लग रही है। जब हमारे यूपी बिहार में मर्द को प्यार करने का मन होता है तब, और वही जब चैत का महीना आ जाता है मर्द गेहूं काटने में लग जाता है तब। रात भर सैया हमर बढ़े टेम्परेचर तो। हां भाई, लड़कियां इतनी एटीट्यूड क्यों दिखाती है? भाई लड़कियां कितना भी एटीट्यूड दिखा ले पर वो अपनी बहन की शादी में अपनी औकात बता ही देती। वो कैसे? चप्पल चुरा के। बैठे बैठे क्या करोगे, करते हैं कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके मोदी जी का नाम। अरे हाँ भाई मस है, मस है। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, गस से गिरा, गस से गाओ। कौन? मैडम आपका पार्सल। कितना हुआ? मैडम आपका हो गया 129 रुपए। वापस कितना देना है? अरे 21 दे दो। अच्छा ठीक है।
काले दरिंदे तेको मैंने 21 रुपए बोली, 21 नहीं बोली। निकल यहाँ से। हेलो पापा। हाँ। कॉलेज में ना एक लड़की पसंद आई है। अच्छी है? बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट है। हाँ तो बोल दिया, दहेज वहेज नहीं लेंगे। हाँ? अच्छा सुन। हाँ? उसकी माँ कैसी है? एक्सक्यूज मी, आप जल्दी इधर से भाग जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि मुझे यही भाभी चाहिए। सच्चिया मोहब्बत है वही दिखते हो। अब अगर शहरों में लड़कियों को बात करते हुए उनकी बगल वाली रिचा आंटी देखे तो ऐसे पूछेंगे, बेटे कहाँ? नहीं मेरी वो फ्रेंड थी। ओके बेटा कोई बात नहीं। लेकिन गांव में किसी लड़की को बतियाते हुए तेपड़ी वाली चाची ने देख लिया तो सुनो। हाँ? देखो इसमें लिखा है कि दुनिया की 25% महिलाएं मानसिक रोग की दवाइयां लेती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरी न्यूज है। क्यों? मतलब दुनिया में 75% महिलाएं बिना दवाई लिए सड़कों पे घूम रही है। ए, तू खड़ा क्यों है? बैठ क्यों नहीं रहा? मैं बैठ ही नहीं सकता। गोलू, why are you so late? सर वो ना। गोलू, speak in English. अबे यार। सर, my car was fussing in कीचड़। No healing, no dulling, only भर 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 करिंग। तू मुझे नीचे कुतिया बोल के आया ना? अरे नहीं। तूने मेरे को कुतिया बोला ना? अरे नहीं बोला। तूने मुझे कुतिया कैसे बोला? अरे एक तो ये भोंकना बंद कर। अरे इस आलू के परांठे में आलू तो नजरे को नहीं आता, यो किसा आलू का परांठा से। बकवास बंद कर और चुपचाप खा ले। कश्मीरी पुलाव में कौन सा कश्मीर नजर आवस है? और न्यू बता, बनारसी साड़ी में कौन सा बनारस नजर आवस है? यार पता नहीं मेरा फोन ना बड़ा गरम गरम सा हो रहा है। अबे रात को जो तू फोन चार्जिंग पे लगाकर सोती है ना, किस दिन फोन की बैटरी फट जाएगी। तुमसे ज्यादा समझदार हूँ मैं, आपसे ना चार्ज पे लगा के बैटरी निकाल के सोऊंगी मैं। यार मैं लॉकडाउन में ना बड़ी मोटी हो रही हूँ, बता क्या करूँ? मास्क होता ना मास्क, वो मुंह पे लगा के घूम। क्यों? खाने पीने से बच पाएगी ना। क्यों रे, कहाँ जा रहे हो सालो? तुमको नहीं पता सब बंद है? अरे साहब वो ये चल नहीं सकती ना, तो इसीलिए हॉस्पिटल ले जा रहे थे। क्या हो गया, इतने सूजे सूजे लग रहे हो? अरे भाई लॉकडाउन के चलते ना तेरी भाभी से इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया। आप कुछ उदास सी लग रही हैं, कुछ टेंशन में लग रही हैं। हाँ बरबूते जी, हम ना सेट हो गए हैं। किससे सेट हो गए भाभी जी? हम तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो सेट ना हुई हैं आप। क्या बोले? तो भाभी जी उसे अपसेट कहते हैं। सही पकड़े हैं भाई, बाहर बिरयानी बट रही है। अरे भाई क्या बात कर रहा है, सही में कैसा लगा मेरा मजाक? क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम, बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। अगर तुझे तेरे दुश्मन को बद्दुआ देनी हो तो क्या देगा? भगवान करे तेरी लव मैरिज हो। अब कड़वा सच ये है कि कभी भी हमारे यहाँ पति और पत्नी दोनों आपको एक साथ पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे भाई साहब। पति पढ़ा लिखा होगा तो बीवी अनपढ़, और बीवी पढ़ी लिखी तो पति अनपढ़। पति पढ़ा लिखा हो, पत्नी अनपढ़ हो, तब तो ये होता है। हम तो हाई पढ़ल ससुर जी अनपढ़, आपकी डॉक्टर मांगी ला जहिया वाटर देवे ले
टमाटर। लेकिन पति अनपढ़ हो और पत्नी पढ़ी लिखी हो तो भाई साहब जिंदगी भर बेचारे पति को बच्चा खिलाना ही लिखा होता और पत्नियां जाती है आंगनबाड़ी में और ये होता है कि 1,000 के नौकरी पर 2,000 के साड़ी आंगनबाड़ी रे आंगनबाड़ी रे दिहाली संघारा बिगाड़ी।